क्षेत्र मिति से सवाल लिखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम, पीएससी जैसे एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जब भी मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो आप सभी के लिए लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपके कौशल वर्णन जैसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सभी को मैं एक बात बताना चाहूँगा, जिसमें इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको फार्मूला याद करना होगा, ठीक है। जब तक आपको त्रिभुज का फार्मूला याद नहीं होगा तो आपका यह क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक त्रिभुज को समझ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, यानी त्रिभुज यानी तीनों भुजाएं समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान, जिसमें 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई हमको मालूम है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? एच, ठीक है। ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है, लेकिन इसमें 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर जो आपके क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अब देखेंगे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एक फार्मूला होता है, जिसका फार्मूला होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है आपका अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपका फार्मूला होगा, ठीक है। और एस निकालने के लिए, आपका एस निकालने के तीनों भुजाओं का परिमाप निकालना होगा। क्या पूछा गया है? परिमाप भी पूछा गया, क्षेत्रफल भी पूछा गया है। इसके लिए जहां हम इसको याद कर लेते हैं, जहां एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो हम इसको मान लेते हैं ए, बी और सी। तो आप पहले, सबसे पहले ए बी सी निकालने के लिए इस फार्मूले में हम मान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए एस का मान रख लेते हैं, एस बराबर ए का मान कितना है? 5, 6, 7। तो इसमें 5, 6 और 1 मिनट ना ये 7 नहीं है ये आपका 9 होगा, ठीक है। ये आपका 9 होगा क्वेश्चन में, ठीक है। 5, 6 और 9 ये आपका इस प्रकार बनेगा। तो 5, 6, 9 को हम सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा? 5 और 6, 11, 11, 9, 20 बाई 2, ये आपका हो जाएगा 20 बाई 2। तो इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा? 10। तो एस का मान अपना कितना निकल कर आया है? एस का मान अपना 10 निकल कर आया है। ये क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ था ना, ये आपका 9 होगा, यहाँ पर 7 नहीं होगा, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक था, ठीक है। तो चलिए आपका ए 5, 6 और 9 हो चुका है। तो एस का मान अपना कितना निकल कर आया है? 10। तो एस का मान हम रखते हैं यहाँ पर, एस का मान कितना है? 10। 10 अंडर रूट इस प्रकार लिखेंगे ना, ये आपका एस का मान कितना है आपका? 10। 10 ए का मान कितना है आपका? 5, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा फिर 10 माइनस 6, 10 माइनस 9, ये आपका इस प्रकार बनेगा, है ना। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 10 का 10 तो अंडर रूट रहने वाला है, ये आपका 10, 10 में 5 घटाएंगे तो 5, फिर ये आ जाएगा 10 में घटाएंगे 4, उसी को 10 में 9 घटाएंगे तो 1, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा 10 गुना 5 गुना 4 गुना 1, उसी प्रकार इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या आएगा? हो गया, जब इसको गुणा करेंगे कितना आएगा? 5 से 20, 20 से 10 को गुणा करेंगे 200, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 200। तो अंडर रूट 200 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको 10 हम कॉमन निकाल देंगे, 10 अंडर रूट 2, तो ये आपका आ जाएगा क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल, ठीक है। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5, 6 और 9 सेंटीमीटर है, तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल आपका कितना निकल कर आया? 10 अंडर रूट 2। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस प्रकार दिया रहेगा, तो आपको इस प्रकार सॉल्व करना है। अगर आपको फार्मूला याद रहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपको फार्मूला याद है, तो सबसे पहले याद करने से पहले एस का मान निकालना जरूरी होता है। अगर आप एस का मान नहीं निकाल पाते तो आपका ये जो पूरा मेथड है ये आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो अब निकालेंगे परिमाप। परिमाप का फार्मूला क्या होता है? परिमाप का फार्मूला हो जाएगा आपका
परिमाप निकालने के लिए क्या होता है, परिमाप का मतलब तीनों भुजाएं, ठीक है, जो परिमाप है आपका ए बी और सी, तो तीनों भुजाओं का योग आपको परिमाप कहलाता है, ठीक है, तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है, इसका फॉर्मूला जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, 5 + 6 + 9, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 × 6 = 11 + 9 बराबर आपका 20, तो परिमाप आपका कितना निकल कर आया है, 20। तो आप बताएंगे कि इस त्रिभुज का अगर परिमाप पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किस प्रकार पूछ सकता है, अगर पूछ लिया जाए कि एक त्रिभुज की भुजाएं कम से कम इतना इतना सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का अगर परिमाप निकालिए, तो त्रिभुज का अगर परिमाप दिया रहेगा तो आप आंसर में परिमाप लगाइएगा, अगर क्षेत्रफल पूछता है तो आप 10√2 लगाइएगा। आपको यह क्वेश्चन कैसा लगा, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग और भी देखना चाहते हैं तो बिल्कुल बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।